अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। हमें ट्रेनर्स ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ओके। अच्छा, अभी तक हमारे ट्रेनर्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया इस सेशन के ट्रेनर्स ने, तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि अभी तक क्या पढ़ा है इस सेशन में और क्या पढ़ना था? लास्ट टाइम हमारा इनहेरिटेंस वाला है टॉपिक कंप्लीट नहीं। आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि उसमें स्पेसिफिकली क्या पढ़ाया था इनहेरिटेंस में? हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड और उसकी डायमंड अप्रोच, हायरार्किकल भी। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। मैं आगे स्टार्ट करने से पहले आप में से किसी से कहूंगी कि कोई प्रीवियस वो एक बार ही जरा कर दे रिवाइज। जो हमने फाइव इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था उसके टाइप्स के बारे में वो एक बार ही थोड़ा थोड़ा। और मिस आयशा, आपके मैंने क्वेश्चंस काफी देखे थे स्लैक पे, आपको क्लियर था ये? विच वन मैम? जी आपको मैम क्लियर हो गया था मुझे बाद में, थोड़ा सा उसी में प्रॉब्लम आ रही थी सेल्फ में, और वो जो जब आपको मैंने वो एक क्वेश्चन जो था वो भेजा था, फिर आपने उसको लास्ट लेक्चर में उसको फिर जो जो उसमें मिस्टेक्स थी वो आपने मुझे बताया था कि यहाँ यहाँ से ये जी आपके ड्रॉबैक्स हैं, तो वो फिर मैंने उनको कर लिया था, मिस्टेक्स का बताया था। ओके गुड। अच्छा तो आप में से कौन रिवाइज करेगा प्रीवियस वाले को? सर शहबाद आप करेंगे? Name yourselves having two categories.
मैम कहाँ से करना है इसका? मैम सभी टाइप को बताना है या सिंपल है उसका ओवरव्यू देने से? थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें मेरे ख्याल में ना आज कोर्ट की तरफ जो है इसके नहीं जाना चाहिए, हमें आगे भी करना है। यस मैम, वो जो इमेज है वो ऊपर वाले दिखा दें, उधर से इमेज जो है ना हमारे पास थी वीकेंड पे, उधर से एक्सप्लेन कर। सबसे पहले ना हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होती है कि हम अगर हमने एक क्लास बनाई है पेरेंट्स, और अगर हम उसके सेकंड क्लास बनाते हैं ना चाइल्ड, एक और क्लास बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो फर्स्ट क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, उसकी जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमने चाइल्ड क्लास बनाई है तो हम कहेंगे कि पेरेंट की जो तमाम प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड में सेंस कर सकें, तो इसके लिए हम जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होती है और एक हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है, दूसरी चाइल्ड होती है, या एक हमारे पास बेस क्लास होती है, दूसरी ड्राइव क्लास होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास बनाते हैं ए और सेकंड क्लास बी बनाते हैं। हम जो बी क्लास होती है वो ए की चाइल्ड होती है, यानी ए की जो तमाम प्रॉपर्टीज होते हैं वो हमारे पास बी के अंदर मौजूद होती है। ये हमारे पास होते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि ए की हमारे पास पेरेंट क्लास होगी और ए की हमारे पास चाइल्ड क्लास। सेकंड हमारे पास आता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में ये है कि हमारे पास जो पेरेंट है वो पेरेंट की टू क्लासेस होंगी, और जो हम उससे चाइल्ड बनाएंगे चाइल्ड वो ए और बी, यानी दो हमारे पास पेरेंट है, उनसे हमने एक ड्राइव क्लास बनाया या चाइल्ड क्लास बनाई है सी। तो इस सी में क्या होगा कि हमारे पास जो ए के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसी सी के अंदर हम असेस कर सकते हैं, और हमारे पास जो सेकंड क्लास बी है उसके भी हमारे पास जो तमाम प्रॉपर्टीज है वो हम सी के अंदर सेल्स कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद आते हैं हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो चाइल्ड क्लास होती है, फर्स्ट हमारे पास एक पेरेंट क्लास है ए, उससे हमने एक क्लास ड्राइव किया सेकेंड बी चाइल्ड। जो ये चाइल्ड क्लास है जो हमारे पास नेक्स्ट चाइल्ड होगा ये उसकी खुद पेरेंट बन जाएगी, यानी कि जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है वो एज अ चाइल्ड भी होती है और पेरेंट भी होती है। एक ही तो हमारे पास जो बी है वो हमारे पास एक ही चाइल्ड क्लास है, लेकिन जो हमारे पास सी है उसकी जो पेरेंट क्लास है वो हमारे पास बी है। तो हम सी के अंदर पी की प्रॉपर्टीज पे सेंस कर सकते हैं, ए की प्रॉपर्टीज पे सेंस करते हैं। किस तरह? क्योंकि हमारे पास जो बी क्लास है वो ए से हमने ड्राइव की है। जब हमने बी वाली क्लास ए से ड्राइव किया तो ए की जो हमारे पास ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज है वो हम बी में सेंस कर सकते हैं, तो और बी की कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो हमारे पास जो सी क्लास है वो बी से ड्राइव हुई है, यानी कि बी के अंदर जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो सी के अंदर आ जाएंगी, लेकिन जो उसने ए से इनहेरिट की होंगी ना वो भी प्रॉपर्टीज हमारे पास बी के अंदर मौजूद होंगी। तो हम सी क्लास के अंदर ए की प्रॉपर्टीज भी असेस कर सकते हैं, बी की भी असेस कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हायरार्की लेवल। हायरार्की लेवल ये हमारे पास ट्रीज की फॉर्म में ये हायरार्कीकल होती है कि हमारे पास फर्स्ट जो होता है ये चाइल्ड है, पेरेंट क्लास है सॉरी, तो इससे हमारे पास एक चाइल्ड क्लास बनती है बी। बी एज अ खुद आगे हमारे पास पेरेंट ट्रीट होगी, इसके आगे फिर चाइल्ड बनेगी, जो इसका चाइल्ड होगा फिर वो एज अ पेरेंट ट्रीट होगा और फिर उसके आगे, यानी कि ये एक पूरा स्ट्रक्चर चलता जाता है, यानी वो खुद पेरेंट और उसके नीचे वाले चाइल्ड। अगर उससे आगे कोई क्लास बनेगी तो जो चाइल्ड है वो पेरेंट बनते जाएंगे। तो इसके अंदर ये होता है कि हम हायरार्कीकल एक व्यू चलता है, यानी कि इसके अंदर ए की प्रॉपर्टीज बी और इसके चाइल्ड की तमाम प्रॉपर्टीज हम एक हायरार्की के थ्रू हम असेस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास डायमंड हाइब्रिड अप्रोच, ये इसे डायमंड भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है लेकिन उससे आगे हमारे पास टू चाइल्ड होती है, यानी एक प्रॉपर्टीज हम बी में भी असेस कर सकते हैं और एक प्रॉपर्टीज हम सी में भी असेस कर सकते हैं। और इन दो पेरेंट जब ये दोनों चाइल्ड है तो अगर जो नेक्स्ट हम क्लास बनाएंगे ना फिर इससे एक चाइल्ड क्लास बनेगी, उन दोनों में जो हमारे पास बी और सी होगा वो एज अ पेरेंट ट्रीट करेंगे। तो इस अप्रोच में ये होता है कि हम इसे डायमंड अप्रोच कहते हैं, इसमें हम जो जिसको भी पहले कॉल करते हैं, हम अगर हमने ये लेफ्ट साइड वाले बी को कॉल किया तो पहले बी की प्रॉपर्टीज को असेस करेगा फिर सी की करेगा, अगर हमने पहले सी रखा है फिर बी रखा तो पहले वो सी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा फिर बी। ये हमारे पास होते हैं हाइब्रिड अप्रोच। दैट्स ऑल। थैंक यू सर शहबाज, यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मिस हिजा, मैम क्या आप आज प्रेजेंट करेंगी?
कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी मैं लास्ट वीक बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकी सेशन, एंड आई एम सीइंग आप लोगों ने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस तक कवर कर लिया है, क्या ऐसा ही है मैम? यस मैम। ओके तो आज हम लोगों ने क्या करना है? मैम आज हमने एक्सेस मॉडिफायर्स या ये जो स्पेसिफायर्स हैं इनको डिस्कस करना है। यस एक्सेस स्पेसिफायर्स और अभी तक जितना हम लोगों ने कर लिया है थोड़ा बेसिक किया और फोर पिलर्स में से हमने एक पिलर ही कवर किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी का? नो मैम। अच्छा चैट बॉक्स में किसी का क्वेश्चन है नोट्स या डॉक्यूमेंटेशन के लिए? अगर तो आप स्लैक चैनल आपने ज्वाइन किया हुआ है तो मेरे ख्याल से ये फाइल हम लोगों ने स्लैक में शेयर कर दिया और पिन भी है चैनल में, अब वहां से इसको सेलेक्ट सॉरी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने स्लैक नहीं ज्वाइन किया तो आप आईपोर्ट की वेबसाइट पे लॉग इन करें और फिर आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आएगी, उसके बाद आप कर सकेंगे। मैं हम ना क्या अपनी स्क्रीन ही क्विक कर सकती हैं शेयर, मेरी स्क्रीन भी हैंग हो रही। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं एक ये जो हरारिकल है और जो हाइब्रिड है दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि उसमें भी एक पेरेंट है वो आगे दो चाइल्ड बना रहा है और आगे चाइल्ड के आगे फिर वो जो फर्दर जो है वो पेरेंट बन के आगे फिर चाइल्ड बना रहा है, और जो हाइब्रिड है उसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि एक पेरेंट है दो चाइल्ड है फिर वो आगे एक और चाइल्ड को दे रहे हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क है, मतलब कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? मैम आप काइंडली वो पिक्चर की तरफ ले जाएं, स्क्रॉल कर लें। सर क्या आप बताएंगे कि एक्चुअली हायरार्किकल होता क्या है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा के क्या आइडिया है इसके बारे में? हायरार्किकल तो जो हमने पढ़ा था वो ये था कि एक पेरेंट होता है वो आगे दूसरे चाइल्ड दो चाइल्ड बनाए हुए इसमें बेसिकली जो इस पिक्चर के अगर देखें तो, और फिर आगे उस चाइल्ड को इन्होंने जो है यानी कि एक पेरेंट जो है वो आगे अगर मल्टीपल उसके चाइल्ड्स हैं तो उसको वो अलग अलग जो है ना इनहेरिट करवाएगा, और जो हाइब्रिड जो जो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग और जो हाइब्रिड है वो एक पेरेंट है और उसके आगे जो दो चाइल्ड्स बने हैं वो आगे वो दो चाइल्ड्स जो हैं वो फर्दर जो है वो जो अलग चाइल्ड बनाएंगे उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक थर्ड जो वो दो पेरेंट्स बन जाएंगे और फिर वो आगे एक और चाइल्ड के लिए वो अपने आप को इनहेरिट करवाएंगे। जी सर इसी से ऊपर इसकी डेफिनेशन भी है सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हायरार्किकल में ऐसा ही होता है कि एक चाइल्ड है मल्टीपल चाइल्ड हैं वो एक ही पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये बिल्कुल ऐसे जैसे हायरार्की किसी चीज की बन रही है, एक पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड हैं, अब उनमें हर चाइल्ड के आगे मल्टीपल चाइल्ड हैं, जैसे जेनेटिक्स में अगर आपने हायरार्की पढ़ी हो कि एक पेरेंट्स होते हैं उनके सिबलिंग्स होते हैं, अब उन सिबलिंग्स में हर किसी का इंडिविजुअली अलग अलग आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। क्लास ए है, क्लास ए की दो चाइल्ड क्लासेज हैं बी एंड सी, अब बी की दो चाइल्ड क्लासेज हैं डी एंड ई, ये हो गया हायरार्किकल। और इसके बाद एक क्लास होती है, बाकी जो आपने क्लासेस देखी मल्टी लेवल मल्टीपल और सिंगल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड का एक्चुअली मतलब है हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, तो हाइब्रिड वो है कि अगर कोई ऐसी इनहेरिटेंस की टाइप आपको मिले, ऐसी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें एक से ज्यादा इनहेरिटेंस की टाइप्स को ऐसा लगे कि इकट्ठा किया हुआ है तो वो हाइब्रिड होगी। जैसे यहाँ पे यहाँ पे की जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें यह कि क्लास ए सिंगल पेरेंट है जिसके दो ऑफस्प्रिंग हैं, तो ये दो यहाँ से क्लास ए इधर तक अगर हम चेक करें एनोटेट अगर हो पाए यहाँ तक, तो ये सेम एग्जाम्पल दे रही है हायरार्किकल की कि सिंगल पेरेंट है और उसके दो ऑफस्प्रिंग हैं, तो ये किस तरह की टाइप हो गई हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और उसके बाद अगर आप देखें कि मल्टीपल पेरेंट्स से एक सिंगल क्लास बन रही है, इज इट, और ये उसकी किसकी एग्जाम्पल होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस की, यहाँ पे बी और सी दो पेरेंट्स क्लासेस हैं जिनकी एक सिंगल चाइल्ड क्लास है,
इस लाइन से ऊपर तक हमें नजर आ रही है यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और इस लाइन से नीचे हम लोगों को नजर आ रही है मल्टीपल पेरेंट्स जो होते हैं वो वाली इनहेरिटेंस. तो इसका मतलब कि दो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमें सेम इसमें इनहेरिटेंस में नजर आ रही है. तो ये हाइब्रिड है. हाइब्रिड में कोई भी दो इनहेरिटेंस को जब हम मिला लेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को, तो वो हाइब्रिड हम कहेंगे कि इट इज हाइब्रिड टाइप. इसके बाद इन्हीं एग्जांपल्स की, इन्हीं क्लासेस की इनहेरिटेंस की टाइप्स की एग्जांपल्स हैं नीचे. कोड को अगर हम देखें मैम, सिंगल इनहेरिटेंस का अगर हम कोड देखें जहाँ पे मेंशन है, तो बिल्कुल वैसे है जैसे हमने इनहेरिटेंस का सिंपल कोड लिया. यानी कि एक क्लास हम लोगों ने बनाई क्लास व्हीकल, उसकी क्लास की बॉडी में हमने कुछ भी लिया. फिलहाल सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है. क्लास है ये, उसकी क्लास की बॉडी है. उसके बाद अब एक और क्लास हम ले रहे हैं और हमें पता है कि ये जो क्लास कार है ये सब क्लास है व्हीकल की, बिकॉज इसके ब्रैकेट के अंदर उस क्लास का नाम है. तो यानी कि ये एक चाइल्ड क्लास है और उसकी बॉडी है. सिंपल इनहेरिटेंस है, एक पेरेंट क्लास है उसकी एक चाइल्ड क्लास है. और उसके बाद जो कुछ हम आउटपुट करवाना चाह रहे हैं या जो हम फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसको एक्सेस करके इंस्टेंशिएट करके, वो हमने यहाँ पे किया. ये सिंपल स्ट्रक्चर है. आप इन कोड को हम वन बाय वन रन करके भी एग्जीक्यूट करके समझेंगे कि एक्चुअली ये कोड क्या है. इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे. मल्टीपल इनहेरिटेंस की हमने जब ऊपर डेफिनेशन देखी थी तो उसमें ये था कि अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट्स क्लास. जैसे एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हैं और उनसे एक चाइल्ड क्लास है जो उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है. जस्ट लाइक ह्यूमन की जनरेशन में ह्यूमन इनहेरिटेंस से इंस्पायर्ड होके. मैम थोड़ा अगर स्क्रॉल डाउन करें मेरी स्क्रीन पे, ये कोड नहीं कम्प्लीट आ रहा मल्टीपल इनहेरिटेंस का. यस थैंक यू सो मच. अच्छा, इसमें क्लास ए सिंपल जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं वैसे क्लास बनाइए, ये सब क्लास नहीं है. उसके बाद क्लास बी, अब दो क्लासेस हमने नॉर्मली क्रिएट कर ली और उनके अंदर उनकी बॉडी, ये बॉडी है क्लास बी के, एक में प्रिंट हम कर रहे हैं दिस इज क्लास ए और दूसरे में प्रिंट कर रहे हैं दिस इज क्लास बी. अब हमने जो थर्ड क्लास बनाई है सी, उसको देखें जब हम लोग सब क्लास बनाते हैं तो पेरेंथेसिस के अंदर उस क्लास का नेम लिखते हैं जिसको हम पेरेंट क्लास डिक्लेयर कर रहे होते हैं. यहाँ पे हमने दो क्लासेस के नेम मेंशन किए हैं ए एंड बी, दोनों को सेपरेट किया है कॉमा से. इसका मतलब है कि ये क्लास सी इनहेरिट कर रही है ए से और बी से, दो पेरेंट्स से इनहेरिट कर रही है. तो ये अगर हम दो या दो से ज्यादा से इनहेरिट कर रही है तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है. तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है. अब इसको जब हम डिस्प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी का एक इंस्टेंस बना के यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है स्मॉल सी, ये इंस्टेंस बनाया है इस क्लास का, क्लास सी का. इसके थ्रू हम इस का इंस्टेंस बना के हम ए और बी की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करें. पहले ये थियोरेटिकल थोड़ा देख लें, फिर हम कोड भी इंशाल्लाह करेंगे एग्जीक्यूट. आई होप कि मेरा मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर करूँ. फिर इसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आप में से कोई बताना चाहे, ये ना हो कि मैं ही बोलती रहूँ. मैम मल्टी लेवल के अंदर हमारे पास एक पेरेंट, दूसरी चाइल्ड, जो थर्ड हमारे पास चाइल्ड होगी वो बी से, यानी कि ए हमारे पास एक क्लास है उससे हमने इनहेरिट किया बी, बी से हमने फिर एक इनहेरिट करनी है सी. जी बिल्कुल. इसको अगर आप नॉर्मल देखना चाहें, मुझे सिंपल करना चाहें, तो ये वो वाला कंसेप्ट आ रहा है कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग और फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ये मल्टी लेवल चलता जा रहा है कि एक क्लास है उसकी सब क्लास है, अब उस सब क्लास की भी एक सब क्लास है. जैसे यहाँ पे एक क्लास है मैम, अगर स्क्रॉल डाउन करें क्लास ए जो, और उसके बाद क्लास बी जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास ए से, ए की सब क्लास है. अब हमने थर्ड क्लास बनाई है सी जो कि इनहेरिट कर रही है बी से. अब बी को अगर आप देखें, बी को आप देखें तो वो इस स्टेटमेंट में क्लास ए की सब क्लास है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्लास सी की पेरेंट क्लास है. तो यानी एडेड वो एक क्लास से इनहेरिट कर भी रही है और एक और क्लास को इनहेरिट करा रही है. तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है कि एक चेन बनती जा रही है सब क्लासेस. इसके बाद फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो कि ये होता है कि एक सिंगल पेरेंट से मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स निकल रहे हैं, फिर उनमें से भी एक सिंगल पेरेंट से मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स निकल सकेंगे.
यानी कि एनिमल क्लास है, उसकी हमने दो सब क्लासेस बनाई हैं, डॉग एंड कैट। दोनों जो क्लासेस हैं ये एनिमल को से इनहेरिट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हायरार्किकल क्लास है। और मैम स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा कर लें। डॉग एंड कैट दो क्लासेस हैं, वो एनिमल से इनहेरिट करनी है। अब एनिमल की दो सब क्लासेस हैं, यानी सिंगल पेरेंट और मल्टीपल सब क्लासेस, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एक ए क्लास है और दूसरी क्लास बी है जो कि ए की सब क्लास है, और फिर एक तीसरी क्लास है सी जो कि ए की सब क्लास है, यानी कि वो हायरार्किकल वाला सिस्टम हो गया है। मैम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दें। मैम मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। जी मैम। मैम लास्ट टाइम जब हमने किया है तो कंस्ट्रक्टर बनाए थे, तो फिर एक सर आए थे लास्ट लेक्चर में, तो उन्होंने बताया था कि कुछ इसके उन्होंने भी उसको स्पेसिफाई कुछ किया था, एक्चुअली मैं कर नहीं पाई, उसको कर नहीं पाई ड्यू टू नेटवर्क का इशू हुआ था, आज ही सही हुआ। तो वो मैं वो कंस्ट्रक्टर का भी उसने उन्होंने कुछ बताया था कि भी इसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं, और इसमें हमारे पीछे वाले में भी आपने कंस्ट्रक्टर उसमें भी नहीं यूज़ हुआ हुआ और इस वाले में भी नहीं यूज़ हुआ हुआ, तो ये काइंडली बता सकते हैं कंस्ट्रक्टर किस कहाँ पे यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर्स ये एक्चुअली सॉरी मुझे आपकी क्वेश्चन की टाइप समझ नहीं आई, लेकिन जो मुझे ये समझ आई है आपने एक तो ये क्वेश्चन किया, कोई बताया आपने कि इसका हम कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं। जी हम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स इसलिए हम यूज करते हैं कि हम लोगों को उस स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल ना करना पड़े, कुछ ऐसी उसमें हम फंक्शन के बारे में वो हम चीज देना चाहते हैं कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता जाए वो कॉल हो जाए। और फिर हम इसके एक्चुअली ये सिंपल सा फायदा है, इसके आगे भी फायदे होते हैं, वो जो आपने सेल्फ डॉट करके आप बाकी फंक्शंस में भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू एट्रीब्यूट्स को कर सकते हैं एक्सेस। सिंपल ये मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ आई कि कंस्ट्रक्टर को हम किधर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो yes, काम यस जी। और यहाँ पे इन क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ पे अगर देखें तो सिंपल फंक्शन यूज किए हुए, डिस्प्ले का फंक्शन है, ऊपर साउंड फंक्शन का नेम लिख लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज हो नहीं सकते, यहाँ पे सिंपली लिखे नहीं हुए बेसिक कंसेप्ट देने के लिए। ओके नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि हर चीज की एग्जांपल कोट कर दूं, कि अगर यहाँ पे सिंपल फंक्शन हमने लिखे हैं तो कंस्ट्रक्टर का भी एक फंक्शन होना चाहिए। बस बेसिकली यही क्वेश्चन है कि कहाँ पे यूज होते हैं और कहाँ पे नहीं होते, और कहाँ पे अगर सपोज अगर हम उनको यूज करते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है, और कहाँ पे अगर हमें मतलब उनको अगर यूज ना करें तो कोई ऐसा छू मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करें या ना करें दैट इज इक्वल। अच्छा अगर आप इस प्रोग्राम को देखें जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का है, इसमें मैंने सिर्फ लिखा हुआ है कि साउंड उसको पास कर दी एनिमल में, यानी कि उसमें मैंने कोई स्पेसिफिक बॉडी में नहीं दिया कि ये आउटकम हमें मिले। क्लास डॉग में मैंने ये फंक्शन लिखा है कि जब ये प्रिंट हो, ये वाला फंक्शन एक्सेस करे तो हमें प्रिंट कर दे के डॉग बार्क्स, और फिर कैट वाले में लिखा है कि हमें प्रिंट कर दे इस फंक्शन को एक्सेस करने पे कैट न्यूज। और यहाँ पे हमने बाद में इनको जब कॉल किया डॉग डॉट साउंड और कैट डॉट साउंड, तो हमने ये देखना था कि कौन सी क्लास का कौन सा हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर बना देते तो वो बगैर उसको कॉल किए उसने एग्जीक्यूट हो जाना था, अगर वो एक्सेस हो पा रहा होता। तो इधर सिंपली हमने इसलिए मेरे ख्याल से मैंने लिखा था ताकि समझ आ सके, क्योंकि इनहेरिटेंस में यही है ना कि हम क्लासेस सब क्लासेस पे कैसे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। यस मैम थैंक यू सो मच। अच्छा क्या मैम ये हायरार्किकल में जैसे ये एक क्लास डॉग की बनाई है एक कार की बनाई है, अगर मैं इसको फर्दर जो क्लास डॉग है उसको फर्दर पे चाइल्ड में डिवाइड करना चाहूँ तो वो कर लूँ तो वो तब भी हायरार्किकल ही रहेगा ना, यानी कि मैं एक और चाइल्ड क्लास बनाऊँ दो और उसके अंदर ये डॉग वाले जो है अलग अलग कॉल कर लूँ इसको पेरेंट
जो बहन के जो क्लास डॉग है उसको पेरेंट बना लूं दो और का, तो तब भी वो हायरार्किकल ही रहेगा। जब तक पेरेंट सिंगल है और सब क्लासेस मल्टीपल हैं तो वो हायरार्किकल है। और ये जिस मैडम ने पूछा था कंस्ट्रक्ट कब यूज करें कब नहीं, जैसे कोई कंस्ट्रक्ट जो है हमें प्रैक्टिकल में करना पड़ता है जब हम पेरेंट क्लास में जो हम पैरामीटर दे रहे हैं और उसकी जो है वो नीचे यूज करनी है चाइल्ड क्लास में उनके जो पैरामीटर जैसे ये नेम और साउंड में हमने दिया है, अगर ये हम जैसे चाइल्ड क्लास में यूज करेंगे तभी हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर सिंपल प्रोग्राम है सिर्फ हमें कुछ फंक्शन प्रिंट करवाना है तो कोई चीज प्रिंट करवानी है तो उसमें जो है कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करेंगे, बेसिकली यही इतना फर्क है और कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। मैम मैं एक इनसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सबसे? यस मैम। ओके मैम, मैम नहीं है अब अवेलेबल। ओके देन मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि अब इसमें तो मैंने दो क्लासेस बना ली है, एक पेरेंट है और एक मेरा चाइल्ड है। ओके तो अब जो इस क्लास में मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? मैम सेकंड का, नीचे वाले का। ओके सो आप मुझे, आप में से कोई एक जो है वो इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल अप करवाएगा फंक्शन का, साथ में जो है ना इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी पास करेगा, तो वो करवाएगा वही मुझे? यस मैम। ओके करवाएं, कौन करवाएगा? यस मैम। सिर्फ एक चीज में यहाँ भूल गई, वो ये थी कि सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू एज। ओके आप जो है मुझे, हाँ आप बताएं क्या मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखूं? मैम डॉग ही रखूं। ओके डॉग इज इक्वल टू डॉग, हाँ इसके अंदर दो पैरामीटर हमने नेम पास करना है। दो के तीन मैम टू, हमारे पास थर्ड तो सेल्फ है ना? नहीं ये देखें मैम, हम थर्ड का सेकंड, हाँ साउंड भी उसकी देनी है ना मैम, तो हम दे देते हैं बात। सेकंड थिंग इज नेम, सॉरी ये पहला मैम नेम फर्स्ट नहीं आएगा, नेम फर्स्ट आ रही है। थोड़ा सा हम यहाँ पे नाम डाल लेते हैं। ओके मैम इसके साथ अगर हम कीवर्ड लगा लेते तो ये ऑटोमेटिकली उसको ले ना लेता, आपने बार जैसे लिखा था तो उसके आगे वो साउंड लिख देती इज इक्वल टू साउंड, वो इधर फिर वो तो फिर उधर कंस्ट्रक्टर में होता है ना, अगर हम कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे नेम और साउंड हो रही तो फिर हम इधर से ये मैंने चेक किया था मैं इधर जो है ना जब मैम ये बना रही है ना ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड जैसे ये ऊपर मैम ने दिए नेम और साउंड और एज, मैंने यहाँ पे जो है ना वो कीवर्ड दे दिए थे तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिए थे। ऐसे के नेम इक्वल टू, हाँ जी मैम, क्योंकि कीवर्ड का तो कोई सीक्वेंस नहीं होता ना, बस आपने कीवर्ड दे दिया, बेसिकली आप बार पहले लिख लें या नेम पहले लिख लें उससे कुछ नहीं पड़ता।
लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना अभी ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं दिया तो इसलिए मुझे जो है ना उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ना था, वरना नेम की जगह पे बारिश हो जाता, ठीक है ना। नहीं मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे जैसे ये बार का आपने दिया है ना, तो इसके साथ लिखनी साउंड इज इक्वल टू बार, और पहले जैसे आप दे रही थी बार की वही जगह कह अगर रहे हैं आप ना कि वो हम इधर इधर ही जब हम दे रहे हैं उधर ही इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब फिर तो हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मैं ये कह रही कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कर रखा था जिसकी वजह से मुझे जो है ना वो उल्टा रिजल्ट शो था, इसीलिए अब जो बात करें वो 100% करेक्ट है, आई एग्री विद यू। ओके अच्छा अब चले वैसा भी कर लेते हैं ताकि अगर मैं इसको कर लूँ। मैम इसका सीक्वेंस भी चेंज करते हैं, जैसे बार को पहले ले आए हैं, और वो थोड़ा सा और भी लोग सबको क्लियर हो जाएगी चीज़। That's one is H and then I write it here. Okay, good. So I will remove the comma. Okay, अब मुझे उस फंक्शन को करवाना है कॉल अप दैट इज रिटन बिफोर एंड द सेकंड वन डॉट डॉट साउंड। आई डोंट थिंक नेम चेंज ही नहीं किया, सेम है फंक्शन, वो पहले नीचे वाला कॉल। नहीं दिस वन आई थिंक साउंड। ओके फंक्शन ओवरलोड हो रहा है ना इसमें, हमने सेम ही नेम दे दी दोनों। मेबी इट विल वर्क। ये आ रहा है कि जब हम इसे कॉल कर रहे हैं ना, हमने सुपर का फंक्शन कॉल किया है, तो वो सुपर वाले में ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल कर रहे हैं। उसमें तो हमारे पास टू हमने आर्गुमेंट पास किए ना, तो वो कह रहा है इसमें साउंड का ये एक आर्गुमेंट मिस होने को थी शायद ऐसी, लेकिन देना तो नहीं चाहिए क्योंकि उसमें हमारे पास नेम और साउंड है, एज वाला उसके हमने पास नहीं किए। इसका तो नेम इधर चेंज से करके, इसका नेम चेंज करके देख लेते हैं, मे बी इट विल वर्क। इन्फो के नाम से रख लेते हैं इसका नेम। भी सेम एरर दे रहा है। इंस्ट्रक्टर कह रहा आ रहा है, एरर आ रहा है। लास्ट एक कंस्ट्रक्टर बनाया इसमें, अगर ये नेम वाला ना दे, सेकंड में हम साउंड दे दे और लास्ट पे ही दे, फिर शायद चल। हमने क्या क्या इनिशियलाइज करवाया ना एज इज इक्वल टू 15 मैम डॉग्स के अंदर, इसमें हम ये सीक्वेंस है एज को लास्ट पे ले जाए एक बार। उससे मेरे ख्याल में कोई इफेक्ट नहीं होगा जैसे कि सर बता रहे थे। शायद एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, लेट्स ट्राई। अब भी ये एरर दे रहा है, अभी इस जीपीटी से पूछते हैं कि ये किस किस्म का एरर देन मैम ये जो इस। वाले जो फंक्शन आपने दिया है, इसकी इंडेंटेशन ठीक है? ऊपर वाले डेफ के नीचे नहीं आएगा बिल्कुल? जी ऐसा भी है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर हैदर। यू वेलकम मैम। सो अब मिस आयशा पता चल गया कि किस चीज में हम लोग मैम कंस्ट्रक्टर लगा सकते हैं और किस में नहीं लगा सकते। यस मैम। गुड। तो अब थैंक यू, आप सबने मिलके मेरे साथ ये प्रोग्राम किया है। अब जो मैम है वो इसमें नेम शो नहीं कर रहा, सेल्फ डॉट अच्छा नेम। ओके, मैंने वहां पे ना फंक्शन के अंदर कोई एज के लिए कुछ दिया ही नहीं था, एंड एक जस्ट एंड एज यस और लेट मी राइट सेल्फ डॉट एज। अब प्रिंट का पे देखते हैं। एंड इसने मुझे ये राइट करके दे दिया। ऐप सर्चिंग ऐप हमने यूज ही नहीं किया स्टार्ट में प्रिंट की। बट हमने ये जो है कंस्ट्रक्टर
कर्ली एफ स्टिचिंग के ब्रेसेस, पैटर्न है ना, तो हमने प्रिंट से जो आप एफ स्टिचिंग यहाँ पे लगाएंगे तो वो प्रिंट करेगा ना। ठीक है ओके तो अब एक काम करते हैं मैम, एक्सक्यूज मी, जरा नीचे कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा प्लीज। ये जो एफ लगाया हमें पेरेंट क्लास में ही लगाया प्रिंट करते हुए द नेम ऑफ एनिमल इज सेल्फ नेम उसमें, लेकिन हमने चाइल्ड क्लास में एफ आपने भी लगाया क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट अगर आप इसमें भी लगा उधर भी यूज होगा हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन नीचे कॉल अप हो रहा है ना वो मेरे पास डॉग का और है। अच्छा लेकिन अगर आप उसको भी लगा लेती है तो तब भी ये शो करेगा द नेम ऑफ एनिमल इज सेल्फ डॉट नेम एंड साउंड इज सेल्फ डॉट साउंड, बिकॉज अगर आपको सबको पता हो तो ये हम लोग जो है फॉर्मेटिंग जब स्ट्रिंग की करते होते हैं तब इसे यूज कर रहे होते हैं एफ के। ओके ओके मैम, सो तो आज जो था ना जिसको कॉल करना है उस वहां पे वो वहां पे एफ लगा दिए, ठीक है, फॉर्मेट फॉर्मेट का ही है ना ये एफ। नहीं नहीं मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल दी गई है, दिस इज माय एंड ये एम्पटी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे वो क्या नाम आए, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे कोई ना कोई नाम डालू तो वो उसको कंप्लीट कर दे, दिस इज माय जो भी उसका नाम हो, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे माय नेम इज एट द एंड, वो मुझे उस जगह पे स्पेस की जगह पे वो नाम शो कर दे जो मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब मैं इस जगह पे चाह रही हूँ कि मैं इस जगह पे फॉर्मेटिंग करके मुझे यहीं पर जो है वो शो हो, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, मैं उस जगह की फॉर्मेटिंग करने के लिए जो है कर्ली ब्रेसेस लगा के जो है क्या करती हूँ, मैं अपना उसको एफ दे देती हूँ बाहर एट द एंड, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग में डाल दूंगी। जब मैं ये चीज करूंगी ना अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर, अब मैं जब उसका डिक्लेयर करूंगी नाम ऊपर या इनिशियलाइज करूंगी कि हाँ असाइन करूंगी कि फॉर एग्जांपल मेरे नेम की वैल्यू जो है, या फिर मैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल रखूंगी मैं कह दूंगी एन फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, या एन, तो एन जब कहेगा ना वो मैं कह दूंगी ना सेल्फ डॉट एन के मतलब जब मेरी एन की वैल्यू आगे जाके कहीं मांगे ना वो, तो उसकी जगह पे वो ये जगह रख देना, मतलब उसकी जगह पे ये वैल्यू या ये नाम डाल देना उस जगह आगे आगे मतलब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच मैम। ओके सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे जब आपने ये सेल्फ डॉट नेम किया, मैंने एक स्लैक पे भी पूछा था, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल जो नेम है वो ही सिर्फ लिखे तो वो एरर देता है क्योंकि अगर आपने इसको खाली यहाँ पे नेम पहले डिक्लेयर करवा दिया और मेरे ख्याल में यहाँ पे लिख देते हैं। नहीं मैम ये बिल्कुल आपने जैसे ये किया हुआ था ना, आपने जैसे लिखा हुआ था, ठीक लिखा हुआ था, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, लेकिन जब मैं ये एफ स्ट्रिंग के अंदर जो ये कर्ली ब्रैकेट्स में नेम देता हूँ ना सिर्फ, तो वो एरर दे देता है, वो उसको जनरेट तो करना चाहिए ना कुछ। अच्छा मुझे ना फिलहाल इसके बारे में इतना नहीं पता कि खाली अगर नेम देना हो तो फिर, लेकिन सेल्फ मेरे ख्याल में अभी तक जितने मैंने प्रोग्राम किए हैं ना या आप लोगों के साथ मिलके जो किए हैं उसमें सेल्फ लिखना जरूरी है। हम एक काम करेंगे, हम इसके लिए कल अगर कोई ऐसा पॉसिबल मेथड हमें मिलता हो जिसके अंदर नेम खाली राइट कर सकते हैं या फिर जो नेम बगैर सेल्फ के, तो हम लोग जो है ना कल आपको वो भी दिखा देंगे। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन नहीं देखा था सॉरी सर, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉसिबल मेथड मिलेगा ना मैं आपको शेयर कर दूंगी। सॉरी आपकी भी दोबारा बात काट रहा हूँ, आपने ना ऊपर जब आपने शुरू किया था ना इनहेरिटेंस वाला, तो उसमें आपने एक शुरू में एक प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर आपने नेम ही दिया हुआ है, तो वो उस टाइम तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो नहीं करता, पता नहीं क्या चक्कर है ये। कौन सा क्वेश्चन सर, प्रोग्राम था आपको याद है वो? नहीं आपने ये ऊपर दिया हुआ है उसके अंदर सिर्फ ना वेरिएबल जैसे ये सेल्फ डॉट नेम करके ना उसके अंदर आई डोंट नो शायद मुझे भूल रहा है वो कंस्ट्रक्टर ही बनाया हुआ है शायद ऊपर है वो। ये यहीं पे है वो, मेरे पास अभी फाइल नहीं खुली हुई, वो वाली क्लास ना सर ने पढ़ाई थी, ये आई डोंट नो सर का,
जी ये देखिए ना, इसके अंदर इसमें एक है प्रोग्राम जिसके अंदर ना वेरिएबल ही दिया हुआ है, सेल्फ डॉट नेम करके नहीं दिया हुआ, उसमें हमने सेल्फ जो हम इसमें अगर हम लोग ये कर देना, एक सेकंड मैं भी देखती हूँ यहाँ पे ना, अगर मैं इसमें चेंजेस करूँ थोड़ी सी, मैं इसकी जगह पे ये हटा के एंड मैं सिंपल जो ये चीज डाल दूं, ठीक है, एंड अब जो है वो सर ने जो किया उसके अकॉर्डिंग मैं अगर यहाँ पे नेम डाल दूं, ठीक है, देन माइट बी पॉसिबल कि मेरे पास जो है वो सेल्फ वाली चीज ना आए, क्योंकि अगर जैसे कि यहाँ पे देखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम और सैलरी के लिए जो सेल्फ लगा रहे हैं ना हमें, वो पॉसिबल नहीं मौजूद, ठीक है, लेकिन सर ने जो है ना यहाँ पे एक और काम भी किया हुआ है, वो ये कि मेरे पास कोई फंक्शन नहीं बनाया हुआ नॉर्मल, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो सिंपल मेरे पास नेम यूज करके जो है वो डिक्लेयर करवाया हुआ है सैलरी उसकी वैल्यू, ऐसा ही पॉसिबल है, ऐसा ही कहा है ना? जी ऐसे ही किया हुआ है इसमें, लेकिन वो नीचे पे कंस्ट्रक्टर अगर ना बनाए आप तो फिर चेक कर लें, वो बाकियों को वो कमेंट कर लें और इसको चेक कर लें। ऐसे कर लेती हूँ, चेंजेस कर लेती हूँ। ओके सिर्फ एक सेकंड। And I'm single line comment on that. One line. Single line comment कर देते हैं। Okay. हम वो वेरिएबल तो डिफाइन करें ना ऊपर, सेल्फ डॉट नेम ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में। नहीं अगर अगर पहले भी ऐसे हुआ है कि वहाँ जो सर ने प्रीवियस किया है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ, आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है जो अभी अभी सर दिखा रहे थे, जो मैं ऊपर दिखा रही थी ये वाला, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना मेरे पास, लेट मी शो यू once again ये वाला प्रोग्राम। मैम ये इंडेंटेशन हटा दें, ये नजर नहीं आ रहा, ये इंडेंटेशन सॉरी की है ना, ये एनोटेशन सॉरी। मैम सर ने डायरेक्ट वैल्यू उठाई हुई है उसमें, उसने वेरिएबल में सर ने स्टोर नहीं करवाई, यहाँ पे जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर आ रही है सर, उधर से जो भी वैल्यू आ रही है वो उधर ही शो करवा रहे हैं। अगर मैं भी फिर ना कुछ ऐसा ही करना चाह रही हूँ कि नीचे जो है ना एनिमल वाली जगह पे क्या करें, सेकंड थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं इसके अंदर। पहली चेंज जो मुझे करनी पड़नी है ना, पहली बार तो उसने जो शो करवा दिया द नेम ऑफ एनिमल इज यहाँ पर देखें, ठीक है, ये चीज। अगर मैं सेकंड वाली करवाना चाहती हूँ ना, तो सेकंड में जो मेरे पास ये हो रहा था ना, क्या कहते हैं हम लोग इसको, सेल्फ डॉट नेम वाली चीज, इसकी जगह ये ऐड दे रहा है नेम, नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके सेल्फ डॉट यहाँ से हटाते हैं, कोई भी इशू कर रहा है। प्रिंट को फंक्शन से बाहर कॉल करें एक बार सर, क्या ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट है जो फंक्शन से बाहर रखी, फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन से बाहर, इसको फंक्शन को इरेज कर दूं, मेंट कर देना, ओके प्रिंट आउट कर देते हैं, दिस वन इज सिंपल। फिर हमारे पास सिंपल क्या होगा, हमने जो बनाया ना अब ये नहीं रहेगा,
इसका नाम हॉबी जी रखते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि अन मतलब जो इंडेंटेशन लगाई है वो रॉन्ग है। इसको इरेज करते हैं। एक बार सुपर भी कॉल ना करे, सुपर वाले को भी ये वो कैसे शो करेगा। ओके चलो से है कि हम वो कर दी। हम इसे फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम इसे कंस्ट्रक्टर बना लें और फंक्शन के बाहर कॉल करें तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेते। बिल्कुल सही। तो सर हैदर होप्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्यों और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा से नेम यूज हो। मैम एक दफा रिपीट कर दें, कुछ समझ नहीं आई, ये हुआ क्या एकदम। ओके हमने ना पहले क्या कर रखा था, जो हम लोग चाह रहे थे ना कि अगर हम लोग इस लाइन के अंदर जो है डिफरेंट वैल्यूज या फिर जो भी नाम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करा था, हमने सेल्फ डॉट नेम को रखा था। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हैं, एक सेकेंड यहाँ लाइन पे कमेंट आउट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे सेल्फ लगा के लिखा हुआ था सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, एंड उसके बाद नेम, जिससे हम लोग उसको नेम के अंदर जो थे ना वो सेल्फ डॉट देते थे। बिकॉज मैं यहाँ पर जो है ना अपना फंक्शन लगा रही होती थी और जब मैं फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू कॉल अप करना चाह रही होती थी ना, मतलब नेम जैसे एंड दिस, तो फिर मैं उसके साथ सेल्फ लगा रही होती थी ताकि वो रेफर कर रहा होता था कि ये मेरी इस क्लास का हिस्सा है। ठीक है ना, अगर मैंने फंक्शन लगाया ही नहीं तो सिंपली वो जिसके अंदर स्टेटमेंट लिख दी है मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट लगा दिया तो ऑलरेडी उसको पता लग रहा था कि मेरे पास जो है ना इसने प्रिंट होना ही होना। दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पर सिंपल अगर नेम भी देती ना, नीचे इसका नाम नाम मतलब उसका नाम डाल देती उसके आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे तो उसने वहां पर जाके उसकी वैल्यू प्रिंट कर देनी थी। यहाँ पे सिर्फ ये किया था कि सिंपल मैंने कंस्ट्रक्टर लगाया, उसके अंदर अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है एंड देन मैंने अपना चाइल्ड क्लास बनाई है डॉग के नाम से एनिमल को लेते हुए। तो ये मैंने यहाँ किया, मैंने फिर उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप एक बात नोट करें तो एक काम नहीं हो रहा, कोई बताएगा जो मेन काम हम कराते होते हैं हर इनहेरिटेंस के अंदर, वो नहीं हो रहा यहाँ पे। यस क्या वो इसमें जो मेन काम है ना वो हमारे पास ये है कि इसके अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं हो रही है चाइल्ड के पास। यस मैम, वो हमने सुपर का फंक्शन भी यूज नहीं किया। सुपर भी हमने कमेंट आउट कर दिया, दैट मींस कि वो भी मेरे पास जो है ना अब वो यूज नहीं हो रहा, ठीक है। एंड इसमें भी सिंपल मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है जो कि सिंपली इससे कनेक्ट हुई है मेरी क्लास से, ठीक है ना। एंड एट द एंड मैंने डॉग लगा दिया है जो कि ऑब्जेक्ट है मेरा और वो सारे उन आर्गुमेंट्स की जगह पे उनकी वैल्यूज जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा अगर रॉन्ग हो तो बता दीजिए, जो मुझे समझ नहीं आया। मैम ये है कि ये देखिए ना, जब हम उसका कोई भी मेथड बनाते हैं तो उसके अंदर हम जब भी हमने प्रिंट को कॉल करना ऊपर वाले वेरिएबल के साथ हम सेल्फ यूज करते हैं, लेकिन जब हम कोई भी मेथड नहीं बनाते सिंपल हम ऐसे जिस तरह हमने ये प्रिंट कॉल की हुई, हमने प्रिंट नेम ऑफ एनिमल उसके अंदर सिंपल हमने नेम पास कर दिया, उसकी जो मुझे रीजन समझ आई ये हो सकता है कि हमारे पास सर ने जिस तरह बताया था कि ना हमारी क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकती है, तो जब एक से ज्यादा हमारे पास कंस्ट्रक्टर होंगे तो हमें ये चेक करने के लिए ये किस क्लास का कंस्ट्रक्टर का नेम आ रहा है, किस क्लास के कंस्ट्रक्टर का साउंड आ रहा है, तो उसके लिए जो हम वेरिएबल नीचे डिक्लेयर करते हैं सेल्फ डॉट नेम यानी कि इस कंस्ट्रक्टर का ये नेम है तो उसको हम कॉल करें अगर एक से ज्यादा हमारे पास कंस्ट्रक्टर होंगे, तो जब भी हम इसे को किसी भी मेथड या फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे तो हम उसे बताएंगे कि ये इस कंस्ट्रक्टर का ये नेम है तो तुम इसको लेना है और इस कंस्ट्रक्टर का ये साउंड है। जब हमने किसी हमारे पास कंस्ट्रक्टर ये है कि हमने कंस्ट्रक्टर ज्यादा बनाए नहीं है
और ना ही हम उसे आगे किसी मेथड में यूज कर रहे हैं। सिंपल हमारे पास जो नेम आया वहाँ नेम प्रिंट करवा रहे हैं, साउंड आई साउंड प्रिंट करवा रहे हैं ऐसे ही। बिल्कुल सेम चीज़ है और इसी तरह ही जो है ना हमारा प्रोग्राम हो। थैंक यू सर शहबाज। अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं है तो डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, अगर क्लियर है तो देन हम आगे मूव करते हैं। मैम आप आगे ये आगे जो डॉग वाली जो ऊपर वाला जो एनिमल वाला जो हमने मेन वो बनाया था, इसके अंदर से अगर हम इसका अगर इंस्टेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सॉरी तो क्वेश्चन क्या है? मैं अगर ये डॉग जो है ये अब मैंने क्लास बी का बनाया ना इंस्टेंस, अगर मैं यही डॉग अगर उसका बनाऊंगा तो उसके लिए फिर दोबारा इस वाली कंडीशन में जो हमने अब कर दिया है इसके अंदर उसके लिए दोबारा इंस्टेंस बनाना पड़ेगा कि ये अब वो पेरेंट वाली चीज को कॉल नहीं कर पाएंगे हम। अगर जो आपने ये जो फंक्शन ऊपर डेफ साउंड वाला है इसको अनकमेंट करके करें तो क्या ये वो इनहेरिट नहीं कर लेगा? उसके लिए हमें जरूरी है कि अब अगर एक दफा ट्राई करके देख लें कि जरूरी है कि वो सुपर ही के थ्रू वो कॉल होगा? जो आप कह रहे हैं कि जरूरी है कि सुपर की प्रॉपर्टी सुपर के जरिए ऊपर पेरेंट की जो ऊपर आपने ये फंक्शन इसका जो बनाया था ना एनिमल के अंदर जी ये डेफ साउंड वाला सेल्फ जो दिया है जिसके अंदर उसको अगर अनकमेंट करें और तब हम अगर ये इसके फंक्शन को कॉल करें डॉग डॉट साउंड करके तो कॉल होगा? ओके मैं करती हूँ। यस हो जाएगा। देन वो बता रहा है कि डॉग ऑब्जेक्ट जो है उसके पास कोई भी साउंड नाम का एट्रीब्यूट नहीं पड़ा हो। जी फिर उसके लिए इसका मतलब है कि हमें वो सुपर वाली चीज करनी पड़ेगी ना, ये फिर इसका मतलब है कि हम इस चीज को छोड़ दें, हम फिर सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट साउंड करके ही किया करें, वो मेरे ख्याल से बड़ा ऑथेंटिक तरीका है। अगर आप सिंपल इसका एक यही पहले भी जो हम शुरू से बात वहीं पर आ खड़ी हुई जहाँ पे शुरू हुई थी कि अगर फंक्शन लगाया है ना सभी कोई सभी यूजर डिफाइंड फंक्शन तो आपको जो है ना वो सेल्फ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो है आपने वो नहीं लगाया सिंपल क्लास के अंदर आप काम कर रहे हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तब आप नेम के साथ भी काम कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। उसमें भी बना सकते हैं सेल्फ वाला लेकिन आप उसके साथ सिंपल नेम साथ भी काम कर सकते हैं जैसे कि इस प्रोग्राम में किया है। ओके ठीक है मैम। ओके एस हम साउंड का एक सेकंड एस भी बड़ा कर देते हैं मे बी तब भी एरर आ रहा है। ओके मैम इसमें जी फंक्शन बनाया है ना उसके अंदर हम सिर्फ नेम से कॉल नहीं करते क्योंकि फिर हमने सेल्फ लगाना पड़ेगा उसे बताना पड़ेगा। सही बात है, तो उसके लिए जो है ना हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। मैम सुपर जो है वो आपने कमेंट किया होगा कि जिस वजह से सुपर में आपने कमेंट इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे दिखाना था ना नेम एज और साउंड का काम कर भी रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक और बात भी ये हो रही है कि ये इनहेरिटेंस नहीं रहा प्रोग्राम इसीलिए तो फिर हमने सुपर वाले को हमने कमेंट कर दिया था इसलिए वो इनहेरिट नहीं करेगा ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्टर। दिस इज नॉट पेरेंट चाइल्ड नेम वाले में एरर है तो मैं जी अगर सुपर को अनकमेंट करते हैं तो नेम और साउंड हमने सिर्फ कॉल किया उसमें एरर दे रहा था उसमें। हाँ जी एरर दे रहा था। अच्छा मैं दोबारा करती हूँ। एरर रिमूव हो गया तो इसमें जो है ना वो अब ये जो है वो मेरा है एक तरह से चाइल्ड है मेरे पेरेंट का, ये इनहेरिट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को। इट्स मीन कि वो सुपर के साथ उसका कोई लिंक नहीं है इसका। कंस्ट्रक्टर्स के साथ
जो है ना आपका ये सुपर के साथ उसके साथ कोई लिंक नहीं है, अगर फंक्शन जो है लगाते हो उसके साथ इसका लिंक है, ठीक है? क्लियर नहीं हुआ पहले एरर कौन सा और ऑप्शन नहीं बताती ये जो ये लाइन लिखी है ना प्रिंट वाली, ये फंक्शन की बॉडी नहीं है, मतलब सिंपल एक स्टेटमेंट है जो कि कंस्ट्रक्टर का हिस्सा है या इस क्लास का हिस्सा है, ठीक है? जब मैं लगाती हूँ अपना फंक्शन, कोई भी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन या फिर जो भी कह लें आप, उसके अंदर जब मैं ये लाइन लिखती हूँ प्रिंट वाली, तब वो मेरी उस फंक्शन का हिस्सा होती है या उस बॉडी का हिस्सा होती है, मेरे फंक्शन की बॉडी का, ठीक है? और जब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फंक्शन के अंदर किसी या फिर जो ऊपर पैरामीटर्स दे रखे हैं उनको कॉल अप करूँ, उनको नाम शो करवाऊँ, उस टाइम पे मैं उनका सिंपल नेम जो है ना वो नहीं लगा सकती, मुझे सेल्फ लगाना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि वो मेरा बता रहा है कि हाँ दैट्स दिस इज द पार्ट ऑफ माई क्लास, कि ये जो है ये रेफर कर रहा है ये हिस्सा मेरी क्लास का हिस्सा है, ठीक है ना? तो इस चीज के लिए जो है मुझे यहाँ पर डिफरेंस करना पड़े, ओके? मैम पर ये भी तो क्लास का पार्ट नहीं है प्रिंट। प्रिंट अभी तो पार्ट है, लेकिन मैं अगर फंक्शन लगा दूं ना यहाँ डेफ वाला, ठीक है, देन मैं क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ फंक्शन लगा देती हूँ जैसे कि ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है ना, मैंने, तो तब जो ये क्या करेगा, तब मुझे जो है इसके शो करवाने के लिए सेल्फ लगाना पड़ेगा, ओके? ओके मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, ये प्रीवियसली हम लोग कर रहे थे आज, no more questions? No, ma'am. ओके अभी डॉट साउंड को अगर कंस्ट्रक्टर के बाद लगाएं, सर आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, कभी ऐसा हुआ है कि हमने जो है वो ऑब्जेक्ट को या फिर कोई फंक्शन बनाया उसे पहले कॉल अप करवाया हो अपनी क्लास के अंदर? फिर ऐसा नहीं होता होता जैसे आप कह रहे हैं, इस तरह मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है, अगर किसी को इस बारे में कुछ पता है तो वो बता सकते हैं कि ऐसे भी हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स नॉट पॉसिबल। ओके सो अभी जो है ना मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, आप लोग जो है वो इसे अब टेंट पे ट्राई करिएगा, ठीक है, जो कि इनहेरिटेंस के रिलेटेड होगा। एक सेकेंड, लेट मी राइट इट फॉर यू। एक सेकेंड,
अभी जो है वो हमारे पास क्लास एंड हो गई है, ठीक है, 4 PM हो गए, तो आपको जो है ना मैं इस क्वेश्चन को स्लैक पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग अपने एंड पे ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस से, जितने भी सॉल्यूशन बनते हैं इसके, तो आप मुझे वो करके दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़।